हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको मेटल के बारे में बता दिया था, नॉन मेटल के बारे में बता दिया, मेटलॉइड के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने आपको मेटलर्जी के बारे में बताया और मेटलर्जिकल ऑपरेशन बताया कि कौन कौन से प्रोसेस मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, लगते हैं, किन किन प्रक्रियाओं से होकर हमें गुजरना पड़ता है। अब उसी में आज हम उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि होगा हमारा कोरोजन और एलॉय के बारे में। यानी कि कोरोजन को हिंदी में संक्षारण कहते हैं, या आम भाषा में आप लोग कहें तो जंग लगना कह सकते हैं, और एलॉय यानी कि मिश्र धातु क्या होता है। तो चलिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले बात जान लीजिए कि यह एक अनवांटेड प्रोसेस है, यानी कि अवांछनीय प्रक्रिया है। तो इट इज एन अनवांटेड प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा, इट इज एन अनवांटेड प्रोसेस। यह एक अवांछनीय प्रक्रिया है जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे मेटल्स हैं, इसके कारण मेटल्स में क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक मेटल्स है, मेटल है। अब इस मेटल में क्या होगा कि मैं आपको बता दूं कि ये मेटल, जैसे कि हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एयर है, यानी कि ऑक्सीजन है, और साथ में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर, जिसे कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। तो अब क्या होगा कि ये आयरन इस ऑक्सीजन और इस वाटर वेपर, जलवाष्प से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीकरण करेगा। और क्या होगा कि इस मेटल में क्या हो जाएगा, छोटे 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 क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। होल्स तो होंगे ही, साथ ही साथ इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, ब्राउन मार्कर मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको ब्राउन से बना के दिखाता, आप लोग समझिए, ब्राउन कलर का इसके ऊपर क्या होता है, लेयर आ जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है, ब्राउन कलर का लेयर इसके ऊपर आ जाता है, और उस लेयर, ब्राउन कलर का लेयर आ गया और साथ ही कुछ होल्स हो गए। तो इसके कारण क्या होता है कि ये आयरन जो है हमारा मेटल, जो कि हमारा ओरिजिनल मेटल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल था, इसके क्या होता है, इसका स्ट्रांगनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका स्ट्रांगनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है कि मेटल रिएक्ट करता है किससे, एयर से, और एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर से, जलवाष्प से, और ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीडेशन करके होने के साथ क्या होता है, इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, कुछ समय के पश्चात, ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा आपके घर के दरवाजे में या फिर खिड़कियों में जो ग्रिल्स लगे होते हैं, वो कहते हैं कि बाहर जंग टाइम टाइम पे पेंट करा लो वरना जंग लग जाएगी। तो पेंट क्यों कराते हैं, जंग से बचने के लिए, वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन आपने बहुत सारे लोहे देखे होंगे, तो उसके ऊपर क्या होंगे, जो पुराने लोहे होंगे, आयरन्स होंगे, उसके ऊपर ब्राउन कलर्स के लेयर बन जाते हैं और छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उनके स्ट्रांगनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसे ही कहते हैं जंग लगना। अब मैंने आपको यहां पे बताया इसके लिए जरूरी क्या क्या है, जंग लगने के लिए जरूरी क्या क्या है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले, पहला चीज हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर वेपर, वाटर वेपर, साथ ही साथ हमारे पास CO2 गैस भी उसके लिए जरूरी है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड से भी ये होता है। तो ये कुछ मुख्य अवयव हैं जिनके कारण क्या होता है, जंग लगता है।
और ये क्या करते हैं, धातु को यानी मेटल्स को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, तो ऑक्सीजन होना चाहिए और वाटर वेपर होना चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जंग लगने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी याद रख सकते हैं। अब इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको बता दूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर। अगर कॉपर को जिस तरह से यहाँ मैंने आयरन को छोड़ा, तो आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्ट किया, इसी जगह पे अगर मैं कॉपर को रखूं, कॉपर तो ये कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भी करेगा वाटर वेपर से रिएक्ट, वाटर वेपर के साथ साथ ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या CO2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और इसके ऊपर का जो लेयर यानी ये कॉपर का जो कलर हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसे साफ करने के लिए हम लोग एसिड में जैसे कि नींबू वगैरह यूज करते हैं। तो और इसी तरह का रिएक्शन क्या होता है, चांदी में भी होता है। चांदी को भी अगर बहुत दिनों तक आप खुले में छोड़ देते हैं तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, डल हो जाता है, यानी कि मटमैला कलर हो जाता है। वो भी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके ही होता है। तो एग्जैक्टली में कोरोजन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है वो भी आपको पता चल गया, और कोरोजन आखिर होता क्या है वो भी आपको पता चल गया, जिसे आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। अब इसे मैं एक आपको चलिए और अच्छे से समझाने के लिए एक फिगर के द्वारा समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक, ठीक है, ये दो, और ये तीन, तीन हमने क्या लिए बीकर लिया, जिसको ऊपर से मैंने कॉर्क के द्वारा क्या कर दिया, ढक दिया, एक बीकर में हमने क्या लिया, सबसे पहले बीकर में तीन बीकर लिया, तीनों को कॉर्क से ढक दिया। एक बीकर में हमने क्या लिया, वाटर, क्या लिया हमने, वाटर लिया। दूसरे बीकर में हमने क्या लिया, एक बीकर में हमने नॉर्मल वाटर लिया, दूसरे बीकर में क्या लिया, बॉयल वाटर, क्या लिया हमने, बॉयल वाटर प्लस ऑयल, और तीसरे बीकर में हमने क्या लिया, CaCl2, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, तो नो ह्यूमिडिटी, जिसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी नहीं है, यानी कि नो ह्यूमिडिटी है। अब इन तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्रेश कील रखेंगे, कील मतलब कांटी, आप लोग जानते हैं, फ्रेश कील, लोहे की कील हमने रख दिया तीनों के अंदर। अब ये तीन फिगर के बाद जो मैं समझाता हूं वो आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें वाटर है यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, इसमें क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या हो जाएगा, कोरोजन आपका हो जाएगा, क्योंकि H2O है, नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और साथ ही साथ क्या है, वाटर वेपर भी है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। अब ये क्या है, बॉयल वाटर प्लस ऑयल, इसके अंदर नो कोरोजन, यानी कि कोरोजन नहीं हुआ। अब आप कहिएगा कि इसके अंदर कोरोजन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है, ये बॉयल वाटर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑयल जो होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है। ये ऑयल जो है इस वाटर के ऊपर अपना लेयर बना लेगी, इस वाटर के ऊपर क्या करेगी, लेयर बना लेगी, जो कि एयर को अंदर नहीं आने देगी, यानी कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमें ह्यूमिडिटी तो मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इस कील में जंग नहीं लगेगी, यानी कि कोरोजन इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑयल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने दे रहा है। और तीसरे में,
तीसरे में मैंने CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण रखा है, इसमें ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है नो ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी नहीं है, यानी कि जलवाष्प नहीं है, वाटर वेपर नहीं है। अब वाटर वेपर जब है ही नहीं तो क्या होगा, इसमें भी जंग नहीं लगेगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन CO2 SO2 H2S इन गैसों में एक गैस होना चाहिए, वो भी मेटल के हिसाब से कि कौन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कोरोजन होगा, वरना कोरोजन नहीं होगा। तो ये था हमारा क्या है कोरोजन, और कोरोजन की आवश्यक शर्तें जो आपको पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे जो कि कोरोजन नहीं होगा। अब इसमें से सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका क्या है, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। अब क्या होगा, पेंटिंग और ग्रीसिंग क्या है, पुताई करना, रंगना। अगर हम लोहे को क्या कर देंगे या किसी भी मेटल को कलर कर देते हैं, तो कलर करने के बाद क्या होता है कि उस पे ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाता है, क्या होता है ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाता है, और जब जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर भी पड़ता है तो वह उससे फिसल जाता है, उस मेटल पे एग्जैक्टली वो पड़ता नहीं है। तो पेंटिंग और ग्रीसिंग करने से आसानी से क्या किया जाता है, कोरोजन से बचा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि पेंटिंग और ग्रीसिंग करने से। दूसरा पॉइंट हमारा आता है गैल्वेनाइजेशन। इस गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण, क्या कहते हैं जस्तीकरण। और आपको पता है कि जस्ता यानी कि जिंक ऑलरेडी एक क्या है मेटल है, तो अब क्या करते हैं, कोई इस मेटल का ऐसा गुण है कि ये मेटल का अगर लेयर किसी दूसरे मेटल पे चढ़ा दिया जाता है तो उसमें कभी भी क्या होता है जंग नहीं लगता है जब तक इसका परत रहता है। तो हम क्या करते हैं कि एक मेटल लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक बीकर है, इसमें क्या है हॉट या मेल्ट, पूरा हॉट या मेल्ट ZN है यानी जिंक है, और इसमें क्या करते हैं दूसरा मेटल हम क्या कर देते हैं जिस पे हमको परत चढ़ाना है उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है कि ये जिंक का परत क्या होता है इसके ऊपर क्या होता है पूरा लेयर इसके ऊपर क्या होता है आ जाता है, जिंक का लेयर पूरा क्या होता है इस दूसरे मेटल के ऊपर आ जाता है, और यह मेटल जिंक से कोटेड हो जाता है, जिसे जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि किसी भी मेटल्स के ऊपर जिंक का कोटिंग करना, यानी कि जिंक को चढ़ाना, जिंक का लेयर चढ़ाना। इसको अगर नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस क्या है कि मेल्ट जिंक या फिर बॉयल्ड जिंक हम लेते हैं एक बीकर में और उसमें दूसरा मेटल डालते हैं जिस मेटल के ऊपर क्या होता है जिंक का कोटिंग हो जाता है, यानी परत चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण से उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस पर क्या होता है जंग नहीं लगता है, क्योंकि जिंक का परत चढ़ने के बाद ना यह जलवाष्प से संयोग कर सकता है और ना ही एयर से। तो गैल्वेनाइजेशन हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है इसे ध्यान से थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं हिंदी में, या विद्युत लेपन कहते हैं। अब क्या होता है कि जिस तरह से मैंने बोला कि एक मेटल पे जस्ता का परत हमने चढ़ा दिया यानी जिंक का परत हमने चढ़ा दिया तो वो प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजेशन हुआ, लेकिन क्या करेंगे हम एक बीकर लेंगे और इसमें कोई और मेटल है, कोई और मेटल है जो कि क्या है मेल्ट मेटल है,
और क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है जो कि है पॉजिटिव टर्म। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर जैसे कि हम लोग करते हैं ना पीतल के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर किसी दूसरे के ऊपर, मान लीजिए कि ये मेल्ट गोल्ड हमने ले लिया, मेल्ट गोल्ड हमने ले लिया और क्या किया हमने, हमने क्या किया सिल्वर को, ये सिल्वर है, सिल्वर मेटल है हमारे पास, इसको क्या किया इसके अंदर डाल के और क्या करते हैं बैटरी से कनेक्ट करके, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बाद क्या होता है कि ये जो गोल्ड का जो मेल्ट है वह क्या होता है इस पर क्या होता है लेयर के तरफ में हो जाता है। ये प्रोसेस हम गोल्ड के भी साथ कर सकते हैं, जेडन के भी साथ कर सकते हैं। सिंपल सी बोलने वाली बात है कि किसी भी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का कोटिंग करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, यानी कि इसे क्या कहते हैं विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में ना आ रहा हो तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक धातु है मेरा, ये दूसरा धातु है मेरा और इसमें जिस धातु का हमें लेयर चढ़ाना है वो धातु है, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, एक को हमने निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, एक एक को हम बना लेंगे एनोड, एक को बना लेंगे कैथोड, और इसमें जो एक पे निगेटिव चार्ज होगा एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें जो चार्ज होगा अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो धातु है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज वाला धातु है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, मोस्टली मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो निगेटिव टर्मिनल बना के भेजेंगे जिसपे हमको करना है। और आप जानते हैं कि जब पोल्स डिफरेंट होगा यानी कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो ये क्या होगा इसमें चिपक जाएगा। आपको पता है कि डिफरेंस पोल क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं और सेम पोल क्या करते हैं रिपल्सन करते हैं। तो क्या होगा कि जिस धातु में हमें लेयर चढ़ाना है उसको निगेटिव टर्मिनल बना के इसके अंदर भेजेंगे और इसको क्या करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि डिफरेंट पोल हो जाएगा प्लस और माइनस का और उसमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होके हो गया तो यही प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो तीसरा था, अब चौथा प्रोसेस क्या होगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग, ये एनोडाइजिंग नॉर्मली एक प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा भारी भरकम प्रोसेस ये है नहीं। इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का बना एक साफ मतलब मेटल को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम भी मेटल है तो एल्युमिनियम के बने एक मेटल को क्या करते हैं हम कि उसको एल्युमिनियम एक ऐसा धातु होता है जो कि ऑक्सीजन और वाटर वेपर से जल्दी वो नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो एल्युमिनियम के एक मेटल को हम क्या करते हैं एनोड बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं और उसको H2SO4 यानी कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर डाल के विद्युत यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, यही प्रोसेस करवाते हैं। क्या करते हैं एल्युमिनियम मेटल को हम क्या करते हैं H2SO4 के अंदर डालते हैं और उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद एनोड बनाकर तो वह क्या होता है कि एनोड जो होता है उसके ऊपर से ऑक्सीजन क्या होता है ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उसके ऊपर जो एनोड के ऊपर जो एसिड का या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का एक जो लेयर बनता है अभिक्रिया करके अपना परत क्या करता है वह मोटा कर लेता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो लाइट चले जाने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ा था। तो हम कहाँ पे थे, हम थे कि एल्युमिनियम धातु को हम क्या करते हैं एनोड बनाते हैं जैसा कि आपको पता है और उसे क्या करते हैं कि एनोड बनाकर यानी कि पॉजिटिव चार्ज लगा के हम H2SO4 का सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है H2SO4 का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं
तो क्या होता है कि इससे अभिक्रिया करके ये एनोड जो है, एल्युमिनियम जो है, वो जो कि हमारा एनोड बन गया है, वो H2SO4 से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है कि ऑक्सीजन मुक्त करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त करता है। और ऑक्सीजन मुक्त करने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड्स का लेयर बन जाता है, जो कि लेयर क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और वह लेयर क्या होता है, कोरोजन लेस होता है। वह लेयर क्या होता है, कोरोजन लेस होता है। तो एनोडाइजिंग क्या होता है कि एल्युमिनियम को एनोड बनाकर हमने H2SO4 के सॉल्यूशन में डाला और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत अपघटन करवाया, लेपन करवाया, तो एनोड क्या हुआ, H2SO4 से रिएक्ट करके ऑक्सीजन मुक्त कर दिया। ऑक्सीजन को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और इसके ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स का एक क्या होता है, लेयर जमा हो जाता है, और उसकी परत मोटी हो जाती है, जो कि कोरोजन लेस होता है। तो ये हमारा प्रोसेस था एनोडाइजिंग। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वह क्या है, कन्वर्ट मेटल इनटू एलॉय। अब हम क्या करेंगे कि अगर मेटल को हम एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी हमारा कोरोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये क्या होता है, एलॉय क्या होता है, तो एलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। यहीं से हमको पता चलेगा कि एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है हमारा मिश्र धातु, यानी कि टू और मोर मेटल से मिलकर अगर कोई हम नया मेटल बनाते हैं, एलॉय क्या होता है, टू और मोर मेटल, मतलब कि दो या दो से अधिक मेटल, यानी या फिर टू और मोर नॉन मेटल, टू और मोर नॉन मेटल नहीं, वन मेटल और वन नॉन मेटल, वन मेटल और वन एंड वन नॉन मेटल। क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर कोई नया मेटल बनाया जाए तो वह हमारा एलॉय कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, या फिर वन मेटल या और वन नॉन मेटल को लेकर भी हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गुण जो होता है ना, इसका प्रॉपर्टीज जो होता है, वो जो हमारा पुराना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। अब ये ब्रास कैसे बनता है, तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक के मिलाने से क्या बनता है, ब्रास बनता है। अब ये ब्रास जो बना, ये क्या हो गया, कोरोजन लेस हो गया, यानी कि इसमें कोरोजन नहीं लगेगा, और इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो कॉपर के प्रॉपर्टी से और जिंक के प्रॉपर्टी से क्या होगा, अच्छा होगा। कॉपर के प्रॉपर्टी और जिंक के प्रॉपर्टी से क्या होगा, अच्छा होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अब कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है, अब इसके अंदर डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी की गुण होगी, क्या होगी, मैलिएबिलिटी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि तन्यता और आधात्वर्धिता का गुण होगा। लेकिन अब जब ये कन्वर्ट हो गया ब्रास में, तो इसमें यह गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी का गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों को मिलकर इन अवयवों से क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ऐसी तरह से क्या होता है कि ये जो हमारे एलॉय बनते हैं उनके क्या होते हैं, उनके पुराने वाले अवयव, यानी कि इनसे गुण उनका क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में थोड़ी कमी आती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके जो बनाएंगे तो ये पहले जितने कठोर थे, स्ट्रांग थे, ये जितने कठोर थे, ये उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या हो जाती है, बहुत सारे हमारे एलॉय बनते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह पुराने वाले से क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ब्रास का। दो तीन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि कॉपर और जिंक मिलके बना, तो ये जो मेटल ब्रास बना, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, अच्छी होगी, लेकिन डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी क्या होगा, कम होगा इससे, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, इनसे ज़्यादा कठोर हो जाएगा।
और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, यानी कि जो एलॉय है उसका हमारे मेटल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तीन पॉइंट आपको याद रखनी है। अब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे कि ब्रास हमने बनाया कॉपर और जिंक मिला के, तो याद रखिएगा 80% कॉपर और 20% जिंक, 80% कॉपर और 20% जिंक। यूज कहाँ होता है, तो बर्तन बनाने में यूज होता है। किस में होता है, मोस्टली बर्तन बनाने में यूज होता है। और हाँ, कारतूस भी, ये जो बंदूक की गोलियाँ होती हैं उन पे भी जो आप देखते हैं कि एक पीतल यानी कि पीले कलर का लेयर होता है, वो भी पीतल से ही बनाया जाता है। दूसरा आते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील, यह भी एक मिश्र धातु है। क्या है, स्टेनलेस स्टील। अब यह किससे मिलके बनता है, तो यह बनता है हमारा निकेल, Ni से निकेल, क्रोमियम और बाकी बचा हुआ आयरन। तो इसमें क्या होता है कि निकेल सम कुछ परसेंटेज होते हैं, क्रोमियम कुछ परसेंट होते हैं और बाकी क्या होता है, आयरन होता है। अब आते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। यह बनता है कॉपर प्लस टीन से, टीन का क्या होता है, संकेत SN होता है, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, जिसमें 90% हमारा कॉपर होता है और 10% क्या होता है, टीन होता है, 90% कॉपर 10% टीन होता है। अब बात करते हैं, आपको एक और बात बता दूं कि प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है वह क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है, यह इतना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, मेलिएबल होता है, डक्टिलिटी होता है, कि इससे जो हमारे ज्वेलरीज हैं या कोई भी चीज़ है वो नहीं बनाई जा सकती हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि कुछ अलग धातुएं मिलाई जाती हैं, यानी कि 22 कैरेट इसे क्या बना दिया जाता है, 22 कैरेट बना दिया जाता है गोल्ड, और 2% एजी हो यानी चांदी हो या फिर कॉपर हो, अन्य मेटल मिला के बनाए जाते हैं। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमारा जो आभूषण होता है वह शुद्ध नहीं होता है, उसमें 22 कैरेट ही क्या होता है, सोना होता है। और ब्रॉन्ज कांसा का उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है और सिक्के वगैरह बनाने में किया जाता है। अब आपके पास होता है एक धातु है, मिश्र धातु है सोल्डर। ये चार पांच मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछते हैं कि ब्रास किस किस से मिलकर बना होता है, स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रॉन्ज किस से बना होता है, प्योर सोना कितने कैरेट का होता है। सोल्डर, सोल्डर जो धातु है हमारा वह बनता है SN प्लस PB। SN हमारा टीन हो गया और PB हमारा लेड हो गया, यानी कि शीशा हो गया। इसमें दोनों कितने होते हैं, 50% और 50% होते हैं, दोनों क्या होते हैं, 50% और 50%। और इसका यूज कहाँ होता है, मोबाइल्स दुकान में या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में देखे होंगे कि उनको खोलने के बाद वो छोटे छोटे जो होते हैं उनको गर्म करके जोड़ते हैं, दो तारों को दो कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सोल्डर मिश्र धातु का क्या किया जाता है, उसी में यूज किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने क्या जाना, कोरोजन के बारे में जाना, कोरोजन को प्रिवेंट यानी कोरोजन से बचा कैसे जाता है वो जाना, एलॉय क्या होता है, दो और दो से अधिक धातु या एक धातु एक और धातु के परफेक्ट मिश्रण से, मिक्सचर से बनता है हमारा एलॉय। उसके बाद बहुत सारे एलॉय के बारे में जाना, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हुआ, ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, गोल्ड हुआ और सोल्डर हुआ, और किसमें किसकी मात्रा कितनी है और किन किन से मिलकर बना होता है ये हमने जाना। तो आज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।